और आतंकी संगठन आईएसआईएस ने हमास का समर्थन कर दिया है। आईएसआईएस की सेंट्रल शाखा ने हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदियों, इसराइल और उसके सहयोगियों के दूतावासों पर आतंकवादी हमला करने के निर्देश यहां तक जारी कर दिए हैं। इससे भारत समेत अन्य देशों के विदेशी दूतावासों पर आतंक का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की खबर की अगर माने तो इस्लामिक स्टेट की सेंट्रल शाखा ने अपनी वीकली मैगजीन अलनबा के अंक 413 को जारी कर दिया है और इसमें कहा गया है कि हमास के समर्थन में दुनिया भर में यहूदी लोगों और इसराइल और उसके सहयोगियों के दूतावासों को निशाना बनाया जाए। ओपी तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी, इससे भारत के साथ साथ अब और देशों पर भी बहुत बड़ा खतरा है, क्या है पूरी जानकारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आईएसआईएस ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जितने भी सहयोगी देश हैं जो इसराइल को समर्थन कर रहे हैं उनके जो विदेशी दूतावास है वहाँ पर आतंकी संगठन हमले करें जिससे कि हमास को समर्थन दिया जा सके। आईएसआईएस ने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि इन देशों को सबक सिखाना जरूरी है क्योंकि इसके जरिए वो इसराइल के लिए किले और दीवारों का काम करते हैं। ऐसे में जब तक उसके किले और दीवारें नहीं टूटेंगी तब तक इसराइल को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। यही कारण है कि आईएसआईएस ने सहयोगी देशों के दूतावासों पर हमला करने का कहा है और भारत समेत तमाम यूरोपीय देशों के दूतावासों पर खतरा बढ़ गया है। इसके लिए तमाम देशों ने अपनी खुफिया एजेंसियों के जरिए अपने दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा है। जी बिल्कुल ओपी, और ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अब आईएसआईएस की तरफ से समर्थन कर देना और उसके बाद ये निर्देश जारी कर देना, हालांकि इसको लेकर अब आपको ये भी बता दें कि जो खुफिया एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अब किसी भी खतरे से निपटने के अलर्ट हो चुकी है। न्यूज 18 के ओपी तिवारी की ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस, अब आप देखिए आईएसआईएस का भी काम वही है, हमास का भी वही है, दोनों आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम करते हैं और आईएसआईएस ने अब हमास का समर्थन कर दिया है।